दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग जून महीने के मंथली करंट अफेयर पर चर्चा करने चल रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इस समय एक स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें 12 दिनों में 12 महीने के करंट अफेयर पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये करंट अफेयर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है कि जब आपकी परीक्षा होती है तब आप ये समझते हैं कि कम समय में कैसे पूरे महीने या पूरे साल के करंट अफेयर को रिविजन करने का मौका मिले। तो याद रखिए 2020 में जनवरी से लेकर के दिसंबर महीने यानी 12 महीने के करंट अफेयर सिर्फ 12 दिनों में करने का मौका मिल रहा है और बहुत सुपर फास्ट स्पीड से भी हम लोग कर रहे हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों पर चर्चा कर सकें। आपको ही पता है दोस्तों कि 22 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद से अप्रैल मई जून और जुलाई ये 4 महीने ऐसे थे जहां क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। जनरल सी बात है ऊटपटांग के क्वेश्चन मैं नहीं बनाता हूं, आपकी परीक्षा में अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए ऊटपटांग के प्रश्न बनाने से कोई मतलब नहीं है। आपको ही पता है दोस्तों किसी भी तरह का सम्मेलन नहीं हुआ है, किसी भी तरह का स्पोर्ट्स का आयोजन नहीं हुआ है, कोई खेल नहीं हुआ है, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है, कोई अवार्ड सेशन नहीं हुआ है, तो बहुत लिमिटेड काम हुए, इस वजह से थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो कम हैं, लेकिन क्वेश्चन हैं बड़े अच्छे। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी जो है स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में पड़े वो आराम से पढ़ाई पर ध्यान दें क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पीडीएफ का, इत्मीनान से एचडी क्वालिटी का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको इत्मीनान से घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस तरह के पीडीएफ चाहते हैं तो 1 जनवरी से दोस्तों स्टार्ट हो चुका है स्टडी 91 का एक पीडीएफ ग्रुप। इसके अलावा टेलीग्राम पर ही चलता है तो वहां पर बहुत सारे पीडीएफ अपडेट किए जाते हैं, वहां आइए जुड़िए और आप देखिए फिर मजा आ जाएगा आपको। ठीक है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिस पर डिटेल में एक एक विषय को पढ़ाया गया, वहां आइए अपनी पूरी तैयारी कीजिए। ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 शुरू किया। ठीक है तो नाम क्या है दोस्तों, नशा मुक्त भारत। तो दोस्तों यह किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो याद रखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया है। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ये हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों जून 2020 का करंट अफेयर हम लोग कवर कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जून 2020 12 दिनों का यह प्रोग्राम है, 12 दिनों में 12 महीने का करंट अफेयर चलेगा, अभी जून का चल रहा है। ठीक है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जिसको याद रखेगा, करा एक्शन प्लान 272 सबसे प्रभावित जिलों से शुरू किया गया जहां पर सबसे ज्यादा लोग नशा करते थे या युवा जो थे वो नशे करते थे, उस राज्यों से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद को धन उपलब्ध होने पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था जिसको FATF कहा जाता है ने किस देश को ग्रे सूची में डाल दिया। देखिए इस तरह की सूची होती ग्रे के बाद अगर देश ब्लैकलिस्टेड हो जाता है तो उसका ट्रांजैक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, विश्व पटल पर उसकी नाकामी साबित होती है। तो अभी पाकिस्तान जो देश है दोस्तों उसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा जो है बेकार सा दिन है। ठीक है और हो भी क्यों ना, क्योंकि वैसे काम भी कर रहा है। तो FATF याद रखेगा, FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है जिसके द्वारा देशों को ग्रे सूची में डाला जाता है। ठीक है कब, अगर वह आतंकवाद को फंडिंग करते हैं तब। ठीक है संयुक्त राष्ट्र MSME दिवस कब मनाया जा रहा है। ठीक है MSME दोस्तों ये लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग वाला बात कर रहा है। ठीक है तो MSME दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए इसके लिए जो दिन चुना गया है वो जून में है, और जून में कब, तो याद रखेगा 27 जून को। ठीक है 27 जून को मनाया जाता है MSME दिवस, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेगा। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, योग विश्वविद्यालय बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 की अगर हम बात करें तो भारत में जो योग दिवस था 21 जून को, ठीक है कहां पर मनाया गया था दोस्तों, तो ये रांची में था। और उसके बाद दोस्तों 2020 की बात करें तो 2020 में दोस्तों छठवां था और 21 जून को दोस्तों इसका आयोजन किया गया था लद्दाख में, कहां पर किया गया था लद्दाख में। लेकिन भारत के बाहर पहली बार कोई योग विश्वविद्यालय बन रहा है, और ये बन रहा है अमेरिका के लॉस एंजलिस में, कहां पर बन रहा है अमेरिका के लॉस एंजलिस में बन रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या दे रहा है, यहां पर USA दे रहा है, अगर USA के अंदर भी जाकर देता तो भी आप लॉस एंजलिस चूज कर सकते हैं। ठीक है तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब जिसे शॉर्टकट में MCC का नाम दिया जाता है, करा 233 साल के इतिहास में किसे पहली बार नियुक्त किया जा रहा है, पहली बार किसी महिला को MCC में नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है और ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी इसके पहले दोस्तों कुमार संकरा जो श्रीलंका टीम से बिलोंग करते थे वो इस पद पर थे, लेकिन अब उनकी जगह पर कौन आ रही है, महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, नाम है क्लेयर
कोनोर, ठीक है, क्या नाम है, क्लेयर कोनोर, ये इंग्लैंड की महिला टीम की कप्तान है और ये एमसीसी जो यानी जिसे मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब कहा जाता है, 233 साल के इतिहास में किसी महिला को पहली बार अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दो राइट हो जाएगा। फीफा महिला विश्व कप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों की पुष्टि कीजिए। करा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2023 में होने वाले फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाले, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप होने वाला 2022 में, ये होने वाला कतर में, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। और 2023 वाले की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर करने वाले हैं, यह जुलाई 10 से 20 अगस्त 2023 तक यह खेला जाएगा, तो यहां पर दिए गए दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीजें मैं बताना चाहूंगा, जैसे विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये वही चैंपियनशिप है दोस्तों जिसमें भारत को जुर्माना लगा था, भारत अपनी फीस नहीं पेड कर पाया था, ठीक है, और ये भारत में होने वाला था लेकिन भारत ने इस मौका को गवा दिया। अब ये सर्बिया के शहर बेलग्रेड में होने वाला है। 19वां एशियाई खेल का आयोजन भी दोस्तों ये सितंबर माह में होने वाला, हांगझाऊ चीन में एशियाई खेल का आयोजन, ठीक है। इसके अलावा चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन भी हांगझाऊ चीन में ही होगा। पैरा ओलंपिक गेम्स दोस्तों ये 2020 में था, अब उसका नया शेड्यूल जारी किया जा रहा है, जो जापान में होने वाला था अब वो 2021 में होगा, और टोक्यो ओलंपिक भी कहां होगा, 2021 में होगा, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। इसी तरह से दोस्तों वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप दोस्तों इसको भी स्थगित कर दिया गया था 2020 में, अब यह भी 2021 में होगा। विश्व तैराकी चैंपियनशिप दोस्तों यह भी सीधे सीधे 22 में भेज दिया गया, ठीक है। और 22 में याद रखें महिला एशिया फुटबॉल कप की भी मेजबानी मिली है भारत को करने के लिए 2022 वाले में, ठीक है। अंडर 17 जो फुटबॉल विश्व कप होने वाला है यह भी भारत में होने वाला है। इसके अलावा जो आपका हॉकी वाला गेम होने वाला है वो भी भारत में होने वाला है। ब्लैक लाइव्स मैटर, ठीक है दोस्तों, अभी आपको पता होगा अमेरिका में कुछ दिन पहले एक आंदोलन चल रहा था, ठीक है, ब्लैक लाइव्स मैटर यानी जो ब्लैक्स हैं वो भी मैटर करते हैं, ठीक है। ये इसलिए पिछला दोस्तों क्योंकि आपने नाम सुना होगा अभी फेयर एंड लवली का जो नाम था उसका नाम जो फेयर वर्ड था उसको हटा करके क्या कर दिया गया, ग्लो एंड लवली किया गया, नाम चेंज किया है। तो याद रखिए कर ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के असर के बाद किस कंपनी ने अपने ब्रांड फेयर एंड लवली का नाम बदल करके क्या कर दिया है, ग्लो एंड लवली कर दिया है। तो ये कंपनी किससे संबंधित है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर संबंधित है, मतलब ये कंपनी का नाम ही हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। करा ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता, ई पंचायत पुरस्कार दोस्तों याद रखिए अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में ई पंचायत पुरस्कार भी जीता है। इसके अलावा 100% एलपीजी वाला जो राज्य बना है उत्तर भारत का, ठीक है, वो कौन सा है, वो हिमाचल प्रदेश ही है, तो ये भी सही हो जाएगा। प्लस ई पंचायत के लिए भी दोस्तों इसको याद रखेगा तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि खिलाड़ी हैं पूर्णिमा जनीन, ठीक है, उनका निधन हो गया 42 साल की उम्र में। वो किस खेल से जुड़ी थी दोस्तों, तो पूर्णिमा जनीन दोस्तों एक कैंसर से पीड़ित थी, पिछले 2 वर्षों से बड़ी परेशान थी, ठीक है, निशानेबाजी से संबंधित हैं ये, ठीक है, इनका बिलोंग करती हैं पूर्णिमा जनीन जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हम लोग कवर कर रहे हैं जून महीने का करंट अफेयर। किस संस्था द्वारा भारत सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को निगरानी में रखने के लिए एक अध्यादेश लाने की घोषणा किया है दोस्तों, बैंकों का बैंक कहा जाता है RBI बैंक को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो उसी के द्वारा निगरानी रखा जाएगा, इसी के लिए जो है अध्यादेश लाया गया। तो यहां पर जो राइट आंसर है दोस्तों हो जाएगा RBI, ठीक है, RBI आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो बैंकों में वित्तीय अनियमितताएं होती हैं उनको दूर करने के लिए और जो ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाला जो इशू चल रहा था, NPA जो बढ़ रहा था, इसको लेकर के इस तरह की चीजें लाई जा रही हैं, अध्यादेश लाए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, बताइए, निशंक जी हैं, ठीक है। तो याद रखेगा ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय करा दिया गया, ठीक है। और एक नया प्लेटफॉर्म दोस्तों लॉन्च किया गया किसके लिए, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए। अगर हम छोटे संस्थानों की बात करें तो दीक्षा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ई दीक्षा है, इस तरह की चीजें आई हैं, लेकिन बड़े के लिए आया है युक्ति 2.0 आया है, तो इसको याद रखेगा ये उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए आया है, ठीक है। अच्छा निशंक जी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखेगा रमेश पोखरियाल निशंक पूरा नाम है, ये नाम भी आपके लिए जरूरी है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अंटार्कटिका में पाए गए पहले जीवाश्म अंडे का नाम क्या है, अंडे का नाम पूछा है, अंडा क्या है, ठीक है दोस्तों, इस अंडे का नाम रखा गया द थिंग, क्या रखा गया है, द थिंग, ये अंटार्कटिका में पाया गया पहला अंडा है। और आज का दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 50 मिलियन
ठीक है, 50 मिलियन से ज्यादा पुराना यह अंडा है, 68 मिलियन दे रहा है, ठीक है, जो एक्यूरेट आंकड़ा है याद रखिए, 68 मिलियन वर्ष पुराना यह अंडा है ऐसा माना गया, ठीक है, यह अपने आप में सबसे पुराना अंडा है। लीजेंड ऑफ सोहेल देव, यह किताब सोहेल देव के ऊपर लिखी गई है, किसने लिखा है यह भी इंपॉर्टेंट है, तो यह लिखा है दोस्तों अमीश त्रिपाठी जी ने, किसने लिखा है, अमीश त्रिपाठी जी ने किताब लिखा है लीजेंड ऑफ सोहेल देव, जिसमें सोहेल देव की वीरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आइए बताते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने का एक पैनल गठन किया है, नीति आयोग के सहयोग से इसे गठित किया गया है। करा इस पैनल के माध्यम से नीति आयोग में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा जैसी तकनीकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल हैं। तो दिए गए दोनों कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है, दिए गए दोनों कथन बिल्कुल सही, बड़े इत्मीनान से आप पढ़ते चलिए, ठीक है, यह सही है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। और बाकी जिन लोगों को और भी डिटेल चाहिए वो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, और इसके माध्यम से आप फुल्ली डिटेल से और भी, या आप पुराने करंट अफेयर जहां पर मैंने विस्तार पूर्वक बताया उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह एग्जाम पॉइंट अभी से इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा के समय रिविजन के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में शिवालिक जंगलों में 50 लाख वर्ष पुराना हाथी का जीवाश्म मिला दोस्तों, तो मैंने अभी आपको हाल फिलहाल में पढ़ाया था कि राजस्थान, और कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं उसको भी याद रखेगा, और उसी में से एक टाइगर रिजर्व है सहारनपुर के पास में शिवालिक के जंगलों में, ठीक है, याद रखेगा, जहां सबसे पुराना हाथी का जीवाश्म मिला है, तो सहारनपुर आपका उत्तर हो जाएगा। कामाख्या मंदिर में 500 साल में पहली बार बाहरी साधकों के बिना ही अम्बुवाची उत्सव मनाया जा रहा है, तो दोस्तों कामाख्या मंदिर कहाँ है, कामाख्या मंदिर ये असम में पड़ता है, अम्बुवाची उत्सव भी असम में ही मनाया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिना बाहरी साधकों के यह उत्सव मनाया जा, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे दे रहा है, हाल ही में चर्चित शब्द जूनटिंथ किससे संबंधित है दोस्तों, जूनटिंथ, ये काफी अच्छा प्रश्न है, तो जूनटिंथ जो शब्द है ये अमेरिका में छुट्टी वाले दिन से संबंधित है, और इसे एक्चुअली में जैसे हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना, वैसे अमेरिका में इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, छुट्टी का दिन है, इसे स्वतंत्रता का दिन भी माना जाता है। हाल किस राज्य में महानदी में डूबा हुआ 500 साल पुराना मंदिर मिला है, 500 साल पुराना मंदिर दोस्तों, इसके पहले जब हम लोग जनवरी का करंट फेर कर रहे थे दोस्तों, तो हम लोगों ने पढ़ा था शिल्पग्राम कहां पर मिला है, कहां पर शिल्पग्राम मिला है, तो हम लोग पढ़े थे कि बनारस के बभनियाओं गांव में, कहां पर, बनारस के बभनियाओं गांव में दोस्तों ये मिला हुआ है, शिल्पग्राम मिला हुआ है, तो आप ये जान रहे होंगे, वो भी इसी तरह से भी, तो याद रखिए 500 साल पुराना मंदिर मिला है। महानदी, महानदी कहां पर बहती दोस्तों, ये उड़ीसा में बहती है, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, जिसे भी पता होगा नदी का लोकेशन वो समझ जाएगा, ठीक है, तो उड़ीसा हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा कि अंगटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में एफडीआई प्राप्त करने के मामले में भारत कौन से स्थान पर रहा दोस्तों, एफडीआई प्राप्त करना यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। अच्छा, पिछला क्वेश्चन दोस्तों एफडीआई से अगर मैं कोरिलेट करूं तो आपको पता होगा, लास्ट मंथ वाला जब मैं कवर कर रहा था वहां मैंने बताया था कि डिफेंस में जो अभी 49% की एफडीआई थी उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 74% कर दिया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा था एफडीआई से संबंधित, उसको याद रखेगा। प्लस यहां पर पूछ रहा है कि एफडीआई आने के मामले में दुनिया में कौन से नंबर पे भारत आता है, तो 9वें नंबर पे आता है, कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 9वें नंबर पे भारत आता है, ठीक है, और इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये आंकड़ा भी है, 9वें नंबर पे भारत आता है। अगर 2018 से इसकी तुलना करेंगे तो $9 बिलियन जो है बढ़त हुई है पहले की अपेक्षा, और परसेंटेज में देखेंगे तो 20% एफडीआई में बढ़त हुई है, ठीक है। बिहार सरकार ने हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को, जो बिहार में खादी माल, देखिए बिहार में बहुत कुछ बना हुआ है, जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है में खादी माल की स्थापना कहां पर किया गया दोस्तों, तो ये बिहार में बना हुआ है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर दोस्तों, बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहां पे बना हुआ है, ठीक है, ये चिड़ियों के लिए है, बर्ड रिंगिंग स्टेशन ये भी यहीं पर बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, कछुआ पुनर्वासन केंद्र, ठीक है, कछुआ पुनर्वासन केंद्र दोस्तों ये कहां पर है, ये भी यहीं पर है। इसके बाद चौथा याद रखेगा दोस्तों, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, क्या, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये इतना याद रखेगा, रिसर्च सेंटर। तो इतनी चीजें हैं दोस्तों जो हाल फिलहाल में अभी चर्चा में बना रही हैं बिहार को, ठीक है। तो उसमें से दे रहा है कि बिहार खादी माल जो दोस्तों उसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है किसको, पंकज त्रिपाठी को। आजकल पंकज त्रिपाठी ज्यादातर लोगों के चहेते होंगे, वो स्त्री कल आना, ठीक है, याद आया, तो पंकज त्रिपाठी का नाम सुना होगा, ठीक है।
और कालीम भैया को तो आप जान ही रहे होंगे कि वही कालीम भैया है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित, सम्मानित नहीं सम्मानित किस लेफ्टिनेंट जनरल का निधन कोविड-19 के कारण हो गया है? तो दोस्तों इनको महावीर चक्र मिला था, ठीक है, और जो कोई बहुत अच्छा, बहुत पराक्रम, बहुत शौर्य वाला काम करता उसे महावीर चक्र दिया जाता है। तो ये दिया गया था दोस्तों राजमोहन वोहरा जी को। किसे दिया गया था? राजमोहन वोहरा जी को दिया गया था, जिनका निधन हो गया है। 1972 के दौरान इन्होंने अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क कहां पर खुला है? दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर भी दो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो जैव विविधता पार्क कहां पर खुला है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड में जहां फूलों की घाटी उसी के पास में हल्द्वानी है, हल्द्वानी के पास में खुला हुआ है, ठीक है, चामोली में फूलों की घाटी है, एक तो ये हो जाएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। एक प्रश्न ये भी याद रखेगा। प्लस दोस्तों एक प्रश्न और याद रखेगा, कवक पार्क की स्थापना कहाँ किया गया? तो अभी आपके उत्तराखंड में किया गया, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। परीक्षा में कैसे भी करके पूछ सकता है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी या लाल हो गया है, किस राज्य में स्थित है? तो लोनार दोस्तों ये महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है लोनार झील, ठीक है। ये क्रेटर झील है, कहा जाता है कि बड़े उल्का पिंड के गिरने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ था। हाल ही में एल्गी की वजह से दोस्तों इस पानी का रंग लाल हो गया था, ठीक है, जिसके बारे में बाद में काफ़ी कुछ पता चला रिसर्च करने के बाद। तो लोनार झील कहाँ पर है दोस्तों? ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है, इसको याद रखेगा। किस राज्य ने गोहत्या से संबंधित कृत्यों के लिए कारावास और जुर्माने का अध्यादेश लाया है? तो जो कोई गोहत्या करेगा, यानी गाय का वध करेगा, गाय का हत्या करते अगर पाया जाता है, तो उसके लिए जुर्माना कारावास दोनों की सजा का प्रावधान लाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, 7 साल की सजा का प्रावधान है। इनमें से किस देश में पहली बार किसी अश्वेत वायुसेना के व्यक्ति को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है, याद रखेगा, पहली बार है, ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ पद पर किसी अश्वेत व्यक्ति का पहुंचना, और ये हो पाया अमेरिका में, ठीक है। तो आज भी वहां रंग भेद की नीति के खिलाफ बहुत लड़ाई होती है, ये ब्लैक लाइव्स मैटर जो चल रहा था ये उसी के तहत चल रहा था, ठीक है। दुनिया की पहली महिला जिसने समुद्र के सबसे गहरे स्थान चैलेंजर डीप 36,000 फीट नीचे वो पहुंच करके एक रिकॉर्ड कायम की है, उनका नाम क्या है? कैथी सुलिवान, डॉक्टर कैथी सुलिवान का नाम याद रखेगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। 36,000 फीट, ऐसी महिलाएं 36,000 फीट नीचे चली गई, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, इनके जज्बे को सलाम है भाई। कह रहा कि मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? जिसने मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष अभियान शुरू किया उस देश का नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE, ठीक है, और यह मानव बस्तियां बसाने के लिए बोला, लेकिन 2000 अभी बहुत लंबा है, ठीक है, 2125 तक 100 साल का समय है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, 2117 तक दोस्तों ये मानव बस्ती बसाएगा, तो बहुत लंबा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बच्चे बच्चे को पता होगा दोस्तों कि हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बता दीजिए? करा विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस यह 8 जून को मनाया जाता है, महासागर दिवस भी 8 जून को मनाया जाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा दिवस आपको याद हो सके, इस वजह से हम लोग अपने क्वेश्चन में दिवस वाले क्वेश्चन भी 4-6 डाल के रखते हैं कि धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाए इन चीजों पे, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दोस्तों ये दिया गया जावेद अख्तर, एक्टर हैं, बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जावेद अख्तर, इनको दिया गया रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है दोस्तों, याद रखेगा। और ये मशहूर बायोलॉजिस्ट हैं, लेखक हैं, थे रिचर्ड डॉकिंस, जिनके नाम पर 2003 में पुरस्कार शुरू हुआ था, और जिन्हें दिया गया वो तो बॉलीवुड के एक्टर हैं, तो आप उन्हें याद रखिएगा, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है दोस्तों वह है 168वीं। कौन सी रैंकिंग है दोस्तों? 168वीं रैंकिंग है। कैसे भी करके इसको याद रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हैप्पीनेस वाले में दोस्तों मैंने बताया था 144वां है, प्रेस फ्रीडम में मैंने बताया था 142वां है, याद रखेगा। ये प्रेस फ्रीडम वाला है, ये प्रेस वाला है, ये हैप्पीनेस वाला है, ये हैप्पीनेस वाला है, ठीक है, ये हैप्पीनेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया? एनवायरमेंट हो गया, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान 168वां है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष
5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस और 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। कब? विश्व खाद्य दिवस 7 जून को, और 8 जून को मनाया जाता है दोस्तों महासागर दिवस। क्या मनाया जाता है? महासागर दिवस, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों, करा देश का पहला राज्य जिसने गरीबी रेखा से नीचे, यानी जो बीपीएल लाइन से नीचे रहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भी इंटरनेट की सेवा मुहैया कराने की ठान लिया, और वह राज्य कौन सा है? केरल राज्य, ठीक है, उनको हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है केरल राज्य में, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। 100% साक्षरता दर वहां पे है। रूस में पावर प्लांट से 20,000 टन डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया? दोस्तों रूस में एक नदी थी और उस नदी का रंग लाल हो गया, इसके वजह से रूस का जो पूर्वी क्षेत्र है साइबेरिया वाला प्रांत, वहां पर अचानक से आपातकाल भी लगाना पड़ गया, ठीक है, और थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों 20,000 टन डीजल जो है नदी के पानी में बह गया, जिसके वजह से पानी का पूरा रंग लाल हो गया। सोचो पानी के अंदर रहने वाले जीवों की क्या हालत होंगे, ठीक है। अंबरनाया नदी है दोस्तों, वहां पर अंबरनाया नदी का मामला है, तो इसको याद रखेगा, अंबरनाया नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत को 2022 में होने वाले महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी मिली है, बिल्कुल सही है, पहले ही बता चुका हूं, 42 सालों बाद यह देश में होने जा रहा है। इसके पहले 1979 में भारत को मेजबानी करने का मौका मिला था, 42 साल बाद अब मिला है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी, दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करा वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट, जिसको हम गावी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, गावी में भारत ने अपनी तरफ से कितना सहयोग राशि दिया? गावी का निर्माण दोस्तों बहुत सारे देशों के मिलने की वजह से किया गया। इसके जो अध्यक्ष हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, जो इस बार 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस जो 2021 में है इसमें आ रहे हैं, और इसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया गया है, वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसमें भारत अपनी तरफ से कितना डोनेट कर रहा है दोस्तों? तो $15 मिलियन दोस्तों ये सहायता राशि भारत की तरफ से गावी में दी जा रही, ताकि आगे कोविड जैसे अगर कोई बड़े वायरस आते हैं तो उनसे निपटने में हम कारगर साबित हो पाए, ठीक है। तो ये है गावी का फुल फॉर्म होता है, ग्लोबल, सॉरी गावी का फुल फॉर्म देखिए कहीं पर दिया होगा, ये द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में चर्चित शब्द पर्सोना नॉन ग्रांटा, शायद आपको मामला न पता हो लेकिन मैं याद दिलाना चाहूंगा, पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अगर पर्सोना नॉन ग्रांटा का मामला आ जाता है तो व्यक्ति को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, भले ही वो जासूसी व्यक्ति ही क्यों ना हो, लेकिन आपको छोड़ना पड़ जाएगा, ऐसी एक ट्रिटी है। तो पर्सोना नॉन ग्रांटा याद रखेगा। कर दिल्ली में जासूसी करते पकड़े गए पाकिस्तानी उच्च आयोग के 2 अफसरों को भारत ने पर्सोना नॉन ग्रांटा घोषित करके देश से जाने को कहा कि आप हमारे देश के लिए अस्वीकार्य व्यक्ति हैं, आप तुरंत इस देश से निकल जाइए, ठीक है। इस शब्द का इस्तेमाल किसी विदेशी के लिए किया जाता है जिसका किसी विशेष देश में प्रवेश या शेष मतलब रहना सरकार द्वारा निषिद्ध हो, तो पाकिस्तान के लिए ये चीजें हैं, तो यहां पर 1 और 2 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है? तो हर्बल सड़क दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है, और यहाँ के 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में बनाया जा रहा है। हर्बल सड़क मतलब इसके किनारे ऐसे पेड़ लगाए जाएंगे जिनका अपना औषधि महत्व हो, ठीक है, तो ऐसे पेड़ों को लगाया जाएगा, ये है हर्बल सड़क का कॉन्सेप्ट, जिसमें याद रखेगा नीम हो गया, पीपल हो गया, सहजन हो गया, ये सब शामिल है। इसके अलावा दोस्तों ब्राह्मी वगैरह भी शामिल है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर शामिल की गई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2019-20 वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर था, यह सही है। यह रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको डीपी क्या बोलते हैं, आईआईटी बोलते हैं, ठीक है, इसके द्वारा यह इंफॉर्मेशन दिया गया कि सिंगापुर से सबसे ज्यादा जो है आया है स्रोत एफडीआई का आया। दूसरे नंबर पर मॉरिशस देश है, फिर इसके बाद जापान वगैरह का नाम आता है, तो यह बिल्कुल सही है, यहां पर दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही दिए गए, ठीक है। तो दोस्तों जून एक ऐसा महीना था जो पूरी तरह से लॉकडाउन में चल था, ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन मुझे यहां से मिल नहीं पाए, तो अधिकतम 40 क्वेश्चन ही बन पाए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो को भी आप मजे से देखिएगा और इसको शेयर करिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ताकि कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।